हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल मेक लर्निंग योर पैशन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वी हैव कम्पलीटेड द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इन आवर प्रीवियस वीडियो टूडे वी विल डू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे पास्ट को कैसे पहचानेंगे फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे ये सब एक चार्ट बना के आपको दिया था होप्सो आपको समझ में आ गया होगा वो चार्ट भी उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप उसको बार बार देखते रहें प्रैक्टिस करते रहें ठीक है प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तभी तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे ओके okay, तो मैं दोबारा से जो चार्ट है उसको दोबारा से जैसे मैंने आपको बताया था yes? द मेनली जो टेंस हैं दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस अगेन डिवाइडेड इनटू द फोर फॉर्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेम फॉर द पास्ट इंड फ्यूचर पास्ट इज पास्ट इंडेफिनट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फॉर द फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी आप सामने भी चार्ट है आप उसको देख कर क्लिक कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है वी हैव कंप्लीटेड द प्रेजेंट इंडेफिनट टेंस ठीक है आज हम क्या करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जैसे वर्ड से भी आपको कॉन्टिन्यूस में से मालूम चल रहा है कि कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है जो चीज़ चल रही है ठीक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो टेंसेज होते हैं पहले तो उसको बताया जिसके जिस सेंटेंस के जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ जो वाक्य इनसे अंत जिसका एंडिंग ये होता है तो वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के टेंसेज ठीक है तो इसके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जैसे आप मैंने अब आप, देख आपको अभी इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होती है कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसका ये मैं भी आपको दिखाती हूँ और जो हर एक जैसे मैंने बताया हर एक टेंसेज जो हैं जो सब के सब डिविजन्स हैं हर एक के फिर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं मींस वो जो टेंस जिस टेंस में वो है उस टेंस में उसको उसके पॉजिटिव को कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको नेगेटिव अगर उसका सेंटेंस है तो वो कैसे होगा और जो उसका अगर इंटरोगेटिव है तो उसको कैसे करेंगे ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मैं आगे आपको बताती हूँ ठीक है लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस

द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज करते हैं और मेनली कब यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मींस एक एक्शन जो आप जिस टाइम बोल रहे हैं उस टाइम पे वो हो रहा हो इसे फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ लेटर मैं अभी इस टाइम पे जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे मैं लेटर एक पत्र है उसको पढ़ रहा हूँ ठीक है और कब यूज़ होता है टू एक्सप्रेन एक्सप्रेस एन अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर जो कोई चीज़ जो आपको एक्सप्रेस करनी है एक ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में आपको करनी है जैसे आई एम गोइंग टू अमेरिका द नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक में मैं अमेरिका जा रहा हूँ देट टाइम यू आर नॉट गोइंग बट यू आर सेग अबाउट द फ्यूचर का प्लानिंग दैट इज जो अरेंजमेंट आपने फ्यूचर में किया है वो एक्सप्रेस करने uh, okay? तो के लिए आई एम गोइंग टू अमेरिका टू द द नेक्स्ट वीक ओके अंडरस्टूड तो यूजेस क्या प्रेजेंट कंटिन्यूज के टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जिस टाइम पर आप बोल रहे हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए और सेकेंड थिंग इज टू एक्सप्रेस एन अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर जो चीज़ आपने अपने एक अरेंजमेंट जो कुछ चीज़ काम करना है जो फ्यूचर में करना है बट नॉट एट द टाइम यू आर स्पीकिंग बट दैट इज़ फिक्स यू हैव टू डू इन द फ्यूचर ठीक है जैस फॉर एक्जाम्पल जैसे मैंने बताया आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक जो है अगले हफ्ते मैं अमेरिका जा रहा हूँ ओके okay? अभी इसके जो सेंटेंसेज हैं प्रेजेंट uh, कॉन्टीन्यूस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फर्स्ट हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं अफर्मेटिव जो होते हैं दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव सेंस में जो सेंटेंसेस uh, होते हैं उसके तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जो जिसके बारे में जो सब्जेक्ट कौन जिस जो आगे वो काम कर रहा है जिसको जिसने वो काम किया है जो वर्ब किया है दैट इज़ अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम इज़ आर एम अकॉर्डिंग टू द जो आपका सब्जेक्ट है मीन्स इफ इफ इट इज़ अ सिंगुलर देन यूज़ इज़ और अगर वो प्लूरल है तो आर आई के साथ एम ठीक है आर जो है वो आपका जो यू सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन है उसमें भी यूज होता है और जो प्लूरल है उनमें भी यूज होता है प्लूरल ठीक है दे में भी यूज होता है प्लूरल थिंग्स जो थर्ड पर्सन प्लूरल है और सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उन सब में आर लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा जैसे ही शी एट और आई के साथ हमेशा एम लगता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने बोला रन रन के साथ आईएनजी एन जी रनिंग हो जाएगा प्लस में उसके बाद ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड क्या हुआ पॉजिटिव वाले में पहले हमने सब्जेक्ट लिखा उसके बाद इज आर एम जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो यूज होगा उसके अकॉर्डिंग इज आर एम का यूज करना है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रन Run है running, cook है रनिंग कुक कुकिंग जंप है जंपिंग ओके okay. उसके बाद ऑब्जेक्ट ठीक है दिस इज द अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी एग्जाम्पल लेती हूँ आपके जैसे मैंने लिखे हुए आई एम जंपिंग मैं कूद रहा हूँ क्या हुआ हमने पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किया मैं कूद रहा हूँ तो जैसे आप कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं मैं कूद रहा हूँ ठीक है ऑन द बैडल ऑब्जेक्ट कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस के एग्जांपल दें ताकि आप अच्छे से ना समझ पाए एक पैराग्राफ लेके नहीं समझाए छोटे सेंटेंसेस से जाके आप उसको समझ पाएं जैसे आई एम जंपिंग मैं कूद रहा हूँ तो रहा हूँ ठीक है पहले आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन सा ये टेंस है दैट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती रहा है रही है रहे है ठीक है फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर उसको बनाया फिर हमने देखा ये आ, उसका मैं कूद रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है रहा हूँ उसे मालूम चला फिर हमें मालूम चला कि ये पॉजिटिव है इसका अफर्मेटिव है तो उसका क्या फॉर्म उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन थी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट आफ्टर दैट इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आफ्टर दैट द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का ओके सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जैसे दे आर रनिंग दे प्लूरल है वे वे दौड़ रहे हैं दे आर रनिंग दे इज अ प्लूरल दे के साथ आर लगा है फिर रनिंग ठीक है तो दे सब्जेक्ट हो गया इज एम एम आर के में क्या है आर आया बिकॉज दे आर द प्लूरल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन रन के साथ रनिंग इधर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो उसके बाद जो भी रह जाएगा दे आर रनिंग इन द ग्राउंड ठीक है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओके okay, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं शी इज राइटिंग वह लिख रही है ठीक है शी इज राइटिंग मीन्स ये जब सब वर्क काम जो आपको सामने मैंने एग्जाम्पल लिए सब क्या काम है ये वो काम है दैट आर यू आर डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम ये कर रहे हैं ये एक्शन जो है दे आर हैपनिंग एट द टाइम यू आर स्पीकिंग जिस टाइम आप बोल आपसे कोई पूछ रहा है उस टाइम आप क्या कर रहे हो दीज आर दीज दीज आर द टेंसेज ऑफ दैट टाइप ओके फिर है मंजू इज कुकिंग मंजू कोई गर्ल है ये मैंने इसलिए मंजू वर्ड यूज किया कि आ, एक जैसे सिंगुलर हो गया किसी का नेम के साथ इज लगता है ना नेम के साथ भी नेम इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट नेम किसी का है तो मंजू इज़ कुकिंग मंजू खाना बना रही है मंजू इज़ कुकिंग खाना बना रही है कुक इज़ खाना बनाना ओके दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेज का ठीक है अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं मतलब किसका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अफर्मेटिव कर लिया पॉजिटिव वाले अब इसके नेगेटिव नेगेटिव कैसे करेंगे जैसे नेगेटिव में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद इज आर एम लिखा जाता है उसके बाद नोट लगाया जाता है फिर वब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट अब जितने भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के टेंसेज हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है ओके जितने भी ये है ना वर्ब कॉन्टिन्यूस वाले प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस वाले इन सब में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है ओके इसके बाद जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव के आई एम नॉट जंपिंग मैं नहीं कूद रहा हूँ ठीक है पहले हमने कहा मैं नहीं कूद रहा हूँ रहा हूँ दैट इज द रहाों से क्या हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ठीक है अभी अब प्रेजेंट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी ये सोचा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये कौन सा है नेगेटिव टेंस है ये सेंटेंस है ठीक है उसमें कैसे लिखा जाता है पहले सब्जेक्ट को लिखा जाए सब्जेक्ट कौन है इधर आई फिर उसके हेल्पिंग वर्ब कौन है एम लगेगा आई के साथ उसके बाद नॉट लगेगा और जो वर्ब जो है जंप जो जंप के साथ आई एन जी तो आई एम नॉट जंपिंग अनदर एग्जाम्पल शी इज़ नॉट राइटिंग वह नहीं लिख रही है दे आर नॉट रनिंग वो नहीं दो, वे नहीं दौड़ रहे हैं मंजू इज़ नॉट कुकिंग मंजू खाना नहीं बना रही है ठीक है ये सभी किसकी होगी नेगेटिव के सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेज ओके तो अभी हमने दो किया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस uh, का हमने अपॉर्मेटिव uh, uh, किया पॉजिटिव वाले किया एंड सेकेंड uh, क्या किया नेगेटिव uh, किया देन सॉरी अभी हम इसके इंटेरोगेटिव करेंगे इंटेरोगेटिव में जैसे मैंने बताया था सबसे पहले इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव या किसी का भी इंटेरोगेटिव है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉमूला इट इज शुड बी सेम लाइक जो जो मैंने पिछली बार बताया था वो क्या है सबसे पहले हमें उसमें डब्ल्यू फैमिली का कोई मेम्बर अगर यूज होता है तो वो लिखा जाएगा उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट का uh, हमने इंडेफिनेट किया तो वहाँ पे डू डज लिखा जाता है यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज आर एम लगता है परफेक्ट में हैज़ और हैव लगेगा तो अकॉर्डिंग टू द टेंसिस यू हैव टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब ओके तो पहले सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का मेम्बर इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज़ दैट उसके बाद आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखा जाएगा बिकॉज इट इट इज़ द क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाले में क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं ना उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट ठीक है अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था फिर रिपीट करती हूँ डब्ल्यू एच फैमिली का मेम्बर का हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें पहले वाई वैन वेहर ठीक है हाओ ये यूज़ करने हैं हमें जो क्वेश्चन पूछा है जो क्वेश्चन है उसमें वी हैव टू पुटी को आंसर कि हमने क्वेश्चन पढ़ा हमने ये जैसे कि uh, am I, am I jumping? क्या मैं कूद र, uh, क्या uh, क्या मैं कूद रहा हूँ तो इफ़ वी गिव द आंसर इन द यस एंड नो फॉर्म अगर हम उसका आंसर कर सकते हैं कि हाँ मैं कूद रहा हूँ नहीं मैं नहीं कूद रहा हूँ ठीक है तो हमें जब मैंने क्या कि uh, मैं कूद रहा हूँ ठीक है क्या मैं कूद रहा हूँ तो क्या के लिए हम यहाँ पे वाट नहीं लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पे जिस जिस सेंटेंस को हम उसको आंसर कर सकते हैं यस या नो फॉर्म में वी हैव नोट यूज द डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर ठीक है तो उसमें हमें क्या करना है जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसी से स्टार्ट करना है तो कैसे होगा एम आई जंपिंग ठीक है सेकेंड वन जिसे डब्ल्यू एच फैमिली का लेके देखते हैं हा? क्या क्या कहते हैं वह क्यों कूद रही है अभी इसमें हम देखो क्वेश्चन है वह क्यों कूद रही है अभी हम इसमें आंसर कर सकते हैं यस yes. या नो इसका आंसर ये यस या नो में दिया जा सकता है नहीं ना हमने उससे रीज़न पूछा है वह क्यों कूद रही है तो यहाँ पे हमें क्यों के लिए हम वाई यूज़ करते हैं तो वाई उसके बाद हमने क्या किया इज एम आर यूज़ करेंगे क्योंकि एक सेंटेंस जो है ये जो टेंस है वो है कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव तो शी वो वह जो है वो लड़की है एक शी है तो शी के लिए इज लगाया इज फिर सब्जेक्ट कौन है वह है वह है वो शी और जंप का आई एन जी तो वाई इज शी जम्पिंग दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ठीक है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना वाई शी जम्पिंग वाई शी जम्पिंग ना आजकल जो आ, ये ना सेंटेंस को स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है दैट शुड भी परफेक्ट आपका होना चाहिए जिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का रूल है आपका वो परफेक्ट होना चाहिए ठीक है यही इंग्लिश में ग्रामर में देखा जाता है ठीक है तो वाई इज शी जम्पिंग ओके नेक्स्ट एक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल जैसे आर दे रनिंग क्या वे दौड़ रहे हैं ठीक है क्या वे दौड़ रहे हैं अब इसका वो देखो क्या वे दौड़ रहे हैं तो यस हम वो दौड़ रहे हैं या फिर नहीं दौड़ रहे हैं तो नो वो नहीं दौड़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे आर दे रनिंग ओके तो इसमें हम इसके हेल्पिंग uh, वर्ब से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग मीन्स इसमें दे हैं तो आर लगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फिर दे देन रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इज शी कुकिंग क्या वह खाना बना रही है इज शी कुकिंग यस yes, हम इसमें आंसर यस yes भी दे सकते हैं नो भी दे सकते हैं ना ठीक है तो हमने इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज किया देर इज नो नीड टू पुट द डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर तो इज शी कुकिंग तो क्या वह खाना बना रही है तो इज बिकॉज शी शी इज अब्जेट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज यूज़ किया देन शी देन कुकिंग कुक के साथ आई एन जी वर्ब की फर्स्ट रूम के साथ आई एन जी अगेन एक और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में इसका इंटेरोगेटिव कर लेते हैं कि जैसे आज आजकल आप क्या कर रहे हैं ठीक है मैंने क्या बोला आजकल तुम क्या कर रहे हो तो इसका आंसर हम क्या देंगे यस बोल सकते हैं इसका आंसर उन्हें हमसे पूछा है ना तुम क्या कर रहे हो आजकल ठीक है तो उसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि नो ठीक है तो क्या बोलेंगे आज क्या का क्या, क्या होता है डब्ल्यू एच एम वट वट आर यू डूइंग दीज डेज इन दिनों में आ, आप क्या कर रहे हैं आजकल आप क्या कर रहे हैं तो वट आर यू डूइंग दीज डेज इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं दीज डेज तो आप डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगा फिर सब्जेक्ट दैट इज यू इन दिस सेंटेंस देन फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू उसके आई एन डूइंग दीज डेज दीज डेज जो ऑब्जेक्ट जो बच गया उसके पीछे ओके अंडरस्टूड फिर क्या है आपका उसके बाद इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव मीन्स इंटेरोगेटिव के साथ क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी है उसमें कैसे करते सेम इंटेरोगेटिव के जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू एच फैमिली मेबर उसके बाद प्लस में इज आर एम कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट उसके बाद नोट आएगा ओके okay? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट जैसे अभी हम देख लेते हैं पहले डब्ल्यू एच फैमिली का ही देखें क्या वह नहीं कूद रही है ठीक है तो नहीं सॉरी वाई इज शी नॉट जंपिंग वह क्यों नहीं कूद रही है ठीक है सॉरी फॉर द फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है वह क्यों नहीं कूद रही है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं यस या नो में नहीं दे सकते ना वो रीजन पूछ रहे हैं वह क्यों नहीं कूद रही है तो हम क्या बोलेंगे पहले वह क्यों क्या होता है वाई वाई फिर क्या आएगा इज बिकॉज शी है वहाँ पे सब्जेक्ट वाई इज शी नॉट जम्पिंग शी सब्जेक्ट है शी के बाद नोट आएगा ओके okay? तो वाई इज शी नॉट जम्पिंग इज इट क्लियर उसके बाद क्या है एक और एग्जाम्पल वह इज शी नॉट राइटिंग क्या वह नहीं लिख रही है ठीक है तो हम इसमें इस हाँ ये ना में बोल सकते हैं ना क्या वह नहीं लिखा बोलते है? क्या वह नहीं लिख रही है ठीक है तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ से तो यस वो बोलेगी अपना आंसर करेगी तो इज शी नॉट राइटिंग हम यस ए नो में बोल सकते हैं ना इसका आंसर हाँ वह नहीं लिख रही है हमें नहीं लिख रही वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप ऐसे किया है क्या कि वह नहीं लिख रही है जैसे पूछते हैं क्या आप नहीं लिख रहे हो हम पूछ लेते हैं ना कई बार हम नोट करके पूछ रहे हैं क्या आप नहीं लिख रहे हो क्वेश्चन पूछ रहे, हैं, क्या, क्या रहे है हैं, हैं, पुछन हैं हम उससे ठीक है तो वो आंसर करेगी हो सकता है वो लिख रही है हो सकता है नहीं लिख रही है लेकिन हम इसका आंसर तो दे सकें यस और नो में बोल सकते हैं ना ठीक है तो इसलिए इसमें इज शी नॉट राइटिंग क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो आर यू नॉट रनिंग जैसे कोई रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है और एक एक है आप जानते हो कि वो दौड़ता बहुत अच्छा लेकिन आप उससे पूछ रहे हो आपने इसमें रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम क्वेश्चन क्या बोलेंगे क्या आप इस रेस में नहीं दौड़ रहे हो आर यू नॉट रनिंग इन दिस रेस या इन दिस कॉम्पिटिशन कुछ भी बोल सकते हैं आर यू नॉट रनिंग ठीक है तो हम ये बोलते हैं क्या आप नहीं दौड़ रहे हो ठीक है तो ये सब को, कौन हो गया आपका इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ओके तो ये सब हमारा एक थोड़ी छोटी एक बात एक ध्यान रखने वाली है इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कि काफ़ी चीज़ ऐसा काफ़ी वर्ब ऐसी होती हैं जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में उनका सेंस रहा है रही में जाता है बट उनको उन वर्ब्स को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में नहीं यूज़ किया जाता जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी की रिजेम्बलिंग बोलते हैं कि आ, जैसे कई उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज़ की जाती है जैसे किसी के फिज़िकल लुक को बताना है हमको वो वर्ब यूज़ की है ठीक है या किसी के इंटरेस्ट को किसी की चॉइस को जैसे हम आ, ये बोल देते हैं कि आ, ह, उसके जो है ये लड़का जो है ये वह है वह है अप उसकी जो सूरत को देखें रिजेंबलेंस क्या होते हैं किसी से अपनी आ, मैचिंग करना रिजेंबल करना वो उससे उसके जैसा दिखता है ठीक है वह उसके पापा जैसे दिख रहा है तो हम बोलते तो ऐसे ना हमने फोटो देखा या किसी को सामने देखा और देखो उसकी शक्ल बिल्कुल उसके पापा जैसे दिख रही है हम ऐसे बोल देते दिख रही है हम सोचते रही है रहा है रही है कॉन्टिन्यूस हो गया नो वहाँ पर हमें ये ना हमें क्या बनाना है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और जैसे वर्ब की और उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ करना है मींस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इफ़ द सब्जेक्ट इज इज ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो वी हैव टू यूज द एस और ओर आफ्टर दैट वर्ब ओके तो जैसे बिहाइंड दैट वर्ब वी हैव टू यूज एस और ओर ओके जैसे ही उसमें हम तो इसको कैसे बोला जाएगा वह अपने पापा जैसा दिखता है ही रिजेंबल्स हिज़ फादर अपने ठीक है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे ही इज़ रिजेंबलिंग हिज़ फादर नहीं दिस इज इनकोरेक्ट ओके तो मिस जब हम रिजेंबलेंस की बात करनी है स्मेल की जैसे कुछ एक्टिव वो होते हैं ना मैं जैसे अपने इमोशंस होते हैं या फिर हमारी कुछ क्या uh, कहते हैं कि uh, उसमें स्मेल वगैरह है फिर तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं आई स्मेल समथिंग बर्निंग हम बोलते हैं मुझे स्मेल आ रही है कुछ जलने की तो हम उसमें ये नहीं बोलेंगे आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग आई स्मेल समथिंग बर्निंग ओके तो इसमें मतलब काफ़ी वर्ब्स होती हैं जैसे बिलीव फील थिंक अंडरस्टैंड रिजेंबल ठीक है कुछ वर्ड्स वर्ब्स होती है जिनको हम कॉन्टीन्यूस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं ठीक है तो उनके लिए हमें क्या है जैसे वर्ब्स दैट आर नॉट यूज इन द कॉन्टीन्यूस टेंस जैसे परसेप्शन करना है जैसे जैसे सी हियर परसेप्शन ना स्मेल नोटिस इज रिकोगनाइज तो ये इनको हम कॉन्टीन्यूस में नहीं यूज़ करते और जैसे अपीयरिंग है किसी का जैसे कोई जैसे रिजेंबल अभी मैंने बताया था सेम जैसे लगता ऐसा, emotions है ऐसा इमोशंस हैं वांट विश डिज़ायर फील लाइक इनको भी नहीं थिंकिंग है थिंक सपोज करना ठीक है तो इन सभी वर्ब्स को वी आर नॉट यूज दिस टाइप ऑफ द वर्ब्स इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जैसे मैंने बताया था इसकी जो पहचान है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जिस सेंटेंस के एंड में चुका है चुकी है चुके हैं चुका हूँ लिया है दिया है किया है ली है दी है की है मीन्स उसके जो भी ऐसे जिससे एंड होगा वो सभी कहलाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस ठीक है तो स, अभी इन्हीं में भी चार इसके सेंटेंसेस हैं फोर फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा अफर्मेटिव टेंसेस अफर्मेटिव टेंस में है पॉजिटिव वन अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है तो इसमें कैसे इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखते हैं सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ठीक है थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगेगा और सबके साथ हैव लगेगा उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है ओके यू ऑल नो दैट द दे आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है उसके बाद ऑब्जेक्ट ठीक है तो V3 जो यहाँ पे डिनोट करके मैं नीचे भी लिखा हुआ वी थ्री मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओके तो इसमें क्या है कि मेनली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज कहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पे मैंने तो पहले इनकी पहचान बताई जिसमें चुका है चुकी है ये सब चीज़ आती हो ठीक है तो उनमें ही इसको यूज़ किया जाता है तो मीन्स मेनली क्या होगा आपको कब ये यूज़ करना होता है टू इंडिकेट द एक्टिविटीज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट अभी के अभी वो जिस अभी जस्ट आपके ने उसको खत्म किया है ठीक है तो इन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं जैसे हमें को एकदम बताना हो कि या फिर एक्सप्रेस करना हो पास्ट एक्शन वेन नो डेफिनेट टाइम इज़ गिवन कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया हुआ उसका ठीक है या फिर टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट ऐसी चीज़ बताना एक पास्ट का इवेंट जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे प्रेजेंट पे है ठीक है जैसे ये चीज़ें क्या है आप एक सिंपल है ना एक आप जो शुरू शुरू में शुरुआत है ना उसमें आप सिर्फ एक उसको सेंटेंस का एंडिंग देखना आपने क्या बोला है चुका है चुकी है लिया है दिया इससे आपका एंड हो रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं ठीक है आप विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये चीज समझेंगे कब हम जैसे जो अभी मैंने बातें बताई कब इसको यूज करते हैं कि जब जस्ट हमारा अभी एक जो को एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट किया जस्ट अभी खत्म हुआ है या फिर पास्ट इवेंट की कोई चीज़ है जो अभी जिसका इफेक्ट जो प्रेजेंट पे भी डल रहा है तो ये सब बातें हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं तो मैंने अभी का स्ट्रक्चर बताया उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे आई हैव इटन मैंने खाना खा लिया है ठीक है तो लिया है या खा चुका हूँ उसको ऐसे भी बोलते हैं खा चुका हूँ तो हम जल्द ऐसे नहीं होते मैं खाना कई मतलब बोलने में क्या आ जाता है कई बार हम बोलते थे मैं खाना खा चुका हूँ ठीक है या या मैंने खाना खा लिया है ठीक है आई हैव रिटर्न तो एक उसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम है टेकन भी बोल सकते हैं और हैड भी बोल सकते हैं ठीक है या खाने के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं जैसे एक नेक्स्ट एक को लेते हैं दे हैव गोन टू मार्केट वो मार्केट जा चुके हैं या वो मार्केट चले गए हैं है ना गए हैं हैं तो हैं जरूर देखना आपको गए गए से नहीं बात चले गए तो अलग हम उसको करेंगे ठीक है आपने क्या वो देखना है दे हैव टू मार्केट दे प्लूरल वे मार्केट जा चुके हैं ठीक है दे हैव टू मार्केट दे कौन है प्लुरल है दे प्लूरल तो उसके साथ हैव लगा गो के पास में गो थर्ड फॉर्म लगी गोन टू मार्केट जैसे ही हैज़ डन इट उसने वह कर लिया है उसने कौन वो ही है ही के साथ हैज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ लगा देन डू डिड डन डू की पर्स पास थर्ड फॉर्म क्या होती है डन इट उसने कोई भी चीज़ है जो काम था वो उसने ही हैज़ डन इट वह कर वह काम कर चुका है कर लिया है ठीक है आप इनको ध्यान दीजिए चुका है लिया है हम है बोल रहे हैं बाद में और चुका लिया दिया ये चीज़ को ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क मैंने अपना काम कर लिया है लिया है बोल दिया है मैं कर चुका हूँ इसका मतलब तो यही है ना मैं अपना काम कर चुका हूँ मतलब तो आपने पास में शुरू की थी वो चीज़ आपने अभी अभी खत्म कर दी है ठीक है तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्टेंसेज के एग्जाम्पल हैं देन सेकेंड है नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है नेगेटिव कैसे बनाएंगे इनके उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसके बाद नोट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट ठीक है हमने सब इसमें परफेक्ट टेंसेज में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है देखो थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगाया था और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगी थी इस ज़्यादा ठीक है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट एंसिस में हैज़ हैव लगेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ठीक है अब दे अब नेगेटिव में कैसे जैसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे दे हैव नॉट गॉन वे नहीं गए हैं ठीक है कहीं पे भी गो मतलब ऑब्जेक्ट मैंने ये छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं मैंने इनका फुल नहीं लिया कहाँ गए हैं या क्या लिखा है क्या है। तो ऑब्जेक्ट जो पीछे जो बच जाएगा जो आपको कंप्लीट कर वो सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में तो लिख रही हूँ लेकिन मैंने सेंटेंसेज को छोटा छोटा लिया ताकि आप जल्दी से उसको समझ पाएं ठीक है दे हैव नॉट गौन वे वे नहीं गए हैं तो वे दे हैव क्योंकि दे आर द प्लूरल हैव फिर नेगेटिव बताना है नोट फिर गोन ही हैज नॉट डन इट उसने वे नहीं किया है किया है ठीक है आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क मैंने अभी मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है ठीक है तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसे होगा अब थर्ड ले लेते हैं अपना जैसे हैज़ नॉट को हैज़ uh, को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा हुआ है, हैज़ के साथ एन को नॉट हैज और हैव नॉट को हैवेंट ऐसे लिख देते हैं इसकी उसके शॉर्ट फॉर्म जो हम बोल देते हैं ठीक है जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ना तो मीन्स हम रिटर्न में कई बार शॉर्ट फॉर्म ले तो उसके साथ हैज़ नॉट जो है ना वो आ, उसके साथ ही लिख देते हैं हैंट हैजेंट ठीक है ये इसके साथ उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ओके उसके बाद है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में सेम पहले डब्ल्यू एच फैमिली आफ्टर दैट हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट ठीक है तो दब, जैसे हम इसमें ले, ले लेते हैं हैव यू गॉन क्या वह क्या तुम गए हो हैव यू गॉन क्या तुम गए हो वो गया कहीं भी है मतलब बार बार मैं एक मेरी बोली मैं छोटे सेंटेंसेज लिया है ताकि आप समझे हैव यू गॉन क्या तुम गए हो ठीक है तो हैव इसमें डब्लू फैमिली नहीं है तुम हाँ या ना नाम इसका आंसर कर सकते हो ना तो हैव यू गॉन तो तो हम बोलते तुम कहाँ गए हो तुम वो तुम है या वे कहाँ गए हैं तो हम कहेंगे वेयर हैव यू गॉन ठीक है तब वेयर हैव हाँ दे गॉन ठीक है तो ये इसके अकॉर्डिंग तब डब्लू फैमिली का वेयर आ जाएगा अब एक और लेते हैं यू फिनिश योर वर्क क्या आपने आप क्या आपने तुम क्या आप हम तुमको बोल देते क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया है हैव यू फिनिश योर वर्क ठीक है और एक और ले लेते हैं हैव यू प्लेड क्या आप खेल चुके हो अपने खेल लिया है ठीक है कैसे भी बोल सकते खेल चुके हो या खेल लिया तो हैव यू प्लेड ठीक है तो इसमें पहले हमने अब डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है आप हाँ भी बोल सकते हो ना भी बोल सकते हो इसका आंसर फिर ह, उसमें हैव uh, लगा बिकॉज uh, जो सब्जेक्ट वो यू है उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया यू देन प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड ठीक है गो की होती गो वेंट गोन फिनिश की थी फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड ठीक है अब है इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव उसमें क्या है सेम पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर उसके बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट देन नोट उसके बाद नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं have you not finished your work yet? क्या आपने अभी तक अपना काम नहीं किया है या आपने अभी तक अपने काम नहीं कर चुके हो ठीक है और ये तो हो गया तो हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क यट अभी तक यट तो अभी तक तो एक डबलेज फैमिली कर लेते वाई हैव यू नॉट गॉन आप क्यों नहीं गए हो वाई ब्लिश फैमिली का वाई क्यों हो गया वाई हैव यू नॉट गॉन तो सो हम यस या नो में नहीं दे सकते आंसर तो क्यों किसको बोलते हैं वाई को वाई हैव यू नॉट गौन ठीक है आई होप ये सब क्लियर आ जा हो गया होगा आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है ठीक है आइडेंटिफाई करने के बाद उसका फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या करना है तो मैंने वन बाय वन सबका बताया है कि मतलब अफर्मेटिव का पहले पहले तो टेंसेज का बताया टेंस को कैसे पहचानना है तो उस टेंस के सब जो फॉर्म्स हैं उसकी जैसे अफर्मेटिव है नेगेटिव है या फिर उनटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव है तो उन, उनका बताया है ठीक है आई होप सब ये क्लियर हो गया होगा आपको ठीक है तो आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख लिख सकते हैं कि किसी में मैं आपको मतलब विद एग्जांपल विद एक्सरसाइज के साथ और इनको लेके आएंगे ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए तो आपको एक चीज़ जो करनी है वो आपको ये करना है कि आपको जो, जो मेरा चैनल है उसमें डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी